19 फीट एंड 36 फीट हाउस प्लान एंड दिस इज आउटसाइड वॉल 10 इंच वॉल आउटसाइड ओके दिस इज आउटसाइड वॉल एंड इनसाइड वॉल इज 5 इंच ओके दिस इज आउटसाइड वॉल ओके दिस इज आउटसाइड वॉल एंड आउटसाइड वॉल एंड इनसाइड वॉल 5 इंच और जो है आउटसाइड वॉल 10 इंच का क्योंकि इसमें आपका जो घर है इसका सिक्योरिटी और इसका जो प्राइवेसी और भी अच्छा हो जाता है आउटसाइड 10 इंच करने से। आपके पास ज़्यादा जगह है तो आप 10 इंच का वॉल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है आपका सिक्योरिटी और ज़्यादा भी बढ़ जाता है ठीक है। इसलिए हमने आउटसाइड में जो भी हमें रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमने आउटसाइड वॉल 10 इंच रखा है ओके। उसके बाद यहाँ पर भी एक वॉल आ जाएगा ठीक है और इंटरनल जो वॉल है इसका 5 इंच का वॉल। तो इसका जो स्क्वायर फीट है 720 आपने देखा है एलिवेशन में क्योंकि मैंने एलिवेशन पहले दिखाया है प्लान अभी दिखा रहा हूँ ठीक है। इसमें जो प्लानिंग के बाद इसका जो एलिवेशन विंडो पोजीशन आएगा इधर तो ऐसे ही रेड कलर जहाँ पर हम मार्क करते हैं अभी यहाँ पर विंडो का आपका पोजीशन आएगा ठीक है। वेंटिलेशन विंडो विंडो ऐसे आएगा ठीक है। उसके बाद हम इधर इसका जो डोर है इसको हम दिखाएंगे इधर ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर डोर आएगा इधर भी एक डोर आएगा इधर एक डोर आएगा क्योंकि इधर 19 फीट है इधर 36 फीट है। तो इसके साथ एक कार पार्किंग है फ्रंट में कार पार्किंग इसमें है ठीक है। कार पार्किंग का जो साइज है 10 फीट 5 इसको आप ओपनेबल है अभी आप इसको बंद भी कर सकते हैं आउटसाइड में वॉल प्रोवाइड करके 13 फीट 5 इंच बाई 10 फीट 5 इंच का एक कार पार्किंग है इधर। इसके बाद इधर एक डोर ओके इधर जो जगह है 3 फीट 6 इंच का जगह है इधर से स्टार्ट करना है आपको स्टेयर। ऊपर जाने के बाद आप इसके ऊपर एक घर बनाएंगे तो इसके ऊपर और एक बेडरूम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको देखिए आप एलिवेशन देख के आपको समझ में कुछ आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग एंड डाइनिंग ओके इसका साइज 11 फीट 4 इंच एंड इधर का जो साइज है नाइन फीट। नेक्स्ट किचन डिस्टेंस 5 फीट 7 इंच एंड 7 फीट ओके। नेक्स्ट वॉश का जगह है इधर 3 फीट का उसके बाद बाथ एंड लेट लिन इधर 5 फीट एंड 6 फीट 8 इंच 6 फीट 8 इंच इधर जाएगा। उसके बाद इधर एक बेडरूम जिसका साइज 11 फीट 11 इंच एंड 10 फीट इसका आउटसाइड वॉल 10 इंच का है और इनसाइड वॉल 5 इंच का है ठीक है। 10 इंच और 5 इंच इसके हिसाब से आप इसको प्लस करिए आपका प्लान का जो एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगा ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद इसका जो कॉलम पोजीशन है इसको हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम या फाउंडेशन पोजीशन ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर फाउंडेशन कॉलम का पोजीशन
प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे में आएगा तो उसके बाद यहाँ पर भी आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, ठीक है, और इसके अंदर में इधर एक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर 3 फीट 3 इंच का आएगा और इधर भी 3 फीट 3 इंच का आएगा, टोटल 6 फीट 11 इंच इधर है, 6 फीट 11 इंच का इधर गैप है। तो आप इधर से अंदर जाएंगे तो प्लान यही था, प्लान में जो पार्ट है 19 फीट इंटू 36 फीट। ओके, प्लान अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना।